किचन फिनिश तो आपने बहुत सारी देखी होंगी, बनने के बाद किचन सारी अच्छी लगती हैं, पर क्या आपको पता है बनने की प्रोसेस में क्या क्या करना पड़ता है? आज मैं आपको इस वीडियो में वो सारी बात बताऊंगा कि किचन की स्पेस प्लानिंग, किचन की ऑप्टिमाइजेशन और किचन की डिजाइन कैसे किया जाता है। हाय, माय नेम इज शशांक जैन और वेलकम बैक टू माय चैनल वुडोफा। तो ये किचन का लेआउट है, यहाँ पे हम एंट्री कर रहे हैं। तो इस किचन के लेआउट में आप देखें कि हमने थोड़ी सी वॉल ये क्रिएट की है यहाँ पर, क्योंकि हमें अंदर एक फोल्डेबल चॉपिंग टेबल भी चाहिए थी और बाहर एक टीवी यूनिट भी लगाना था। तो हमने ये सोचा कि इसकी वॉल को अगर हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर दें तो हमें एरिया अच्छा खासा मिल जाएगा उस पूरी स्पेस को यूज़ करने के लिए, क्योंकि किचन का साइज़ बहुत बड़ा नहीं है और हमें यूटिलिटी एरियाज़ को कवर करना पड़ा। तो हम ये बता रहे हैं आपको कि कैसे उसका एक एक इंच हमने यूटिलाइज़ किया। तो ये एंट्री करते ही लेफ्ट हैंड साइड पे ये सबसे पहले यहाँ पर फ्रिज आ जाता है। तो ये फ्रिज है, काफ़ी बड़ा फ्रिज है, दिस इज़ अ 3 फीट फ्रिज। जनरली फ्रिजेज 24, 27, 28 इंचज़ में आते हैं, ये 3 फीट है, बड़ा है। इसके साथ एक अपना वेजी सिंक भी है, तो यहाँ पर हमने एक वेजी सिंक डाला। छोटा सिंक है जो कि हाथ वगैरह धोने के लिए, आई मीन आपकी कुकिंग करते हुए सब्जी को धोने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अक्सर ये लोग छोड़ देते हैं। और अगर आपके पास जगह है और आपके पास बजट है तो मैं बोलूँगा वेजी सिंक ज़रूर ले लीजिए, यूटिलिटी सिंक को बाहर कर दीजिए चलेगा, पर वेजी सिंक को अंदर ज़रूर ले लीजिए, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी किचन के लिए। तो जैसे हम एंट्री करते हैं किचन में, आप देखिएगा यहाँ पर आप टर्न होते ही ये पूरा राइट हैंड साइड पर एक एल टाइप काउंटर है, तो ये पूरा काउंटर हमने यूटिलाइज़ किया हॉब रोलिंग शटर के साथ, जो स्पेस बच जाती है ये पूरे काउंटर में यूज़ हो जाती है। तो ये पूरी स्पेस को अच्छे से आप काउंटर स्पेस की तरह यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पर एक फोल्डेबल टेबल भी है कि जब आप इसको फोल्ड करना चाहें और दीवार पर लगाएं, दीवार लगा दीजिए, जब आप इसको उप करेंगे तो ये सिमिलर टू काउंटर हो जाएगा। फ़ायदा क्या है कि ज़रूरी तो नहीं है हर बार ही चॉपिंग हो रही हो या बार बार चॉपिंग हो रही हो, तो जब चॉपिंग करनी है तब आप ऊपर कर दीजिए और आपको एक्स्ट्रा स्पेस काउंटर की मिल जाती है किचन में, अदरवाइज़ आप इसको फोल्डेड ही रखिए। अब हम आ जाते हैं जो हमने बालकनी को कवर किया और यूज़ किया उस जगह पर जा रहे हैं। आपको याद होगा यहाँ पर एक बंद स्पेस थी और ये आगे यूटिलिटी स्पेस बन रही थी, अब हमने इसको खोल दिया तो ये पूरी किचन बहुत अच्छे से यूटिलाइज हो गई। यहाँ पर हमने इसका माइक्रोवेव और ओटीजी के लिए यूनिट बनाने के लिए एक जगह बना दी। यहाँ पर एक टॉल पैंट्री बना दी, जो कि अच्छी खासी टॉल पैंट्री है कि बहुत सारा छोटा छोटा सामान रखने की जगह इस पैंट्री के अंदर आ गई। और ये पूरा स्पेस सामने यहाँ से अभी करंटली जो बिल्डर ने दिया था सर्वेंट रूम की एंट्री थी टुवर्ड्स द बालकनी, तो हमने ये एंट्री को बंद कर दिया यहाँ से और इसको पूरा माइक्रोवेव में, मतलब आप देखिए कि ये पूरी स्पेस को आपने माइक्रोवेव, ओटीजी एंड टॉल पैंट्री में यूज़ कर लिया ये वाला। तो ये काफ़ी बड़ा स्पेस विच इज़ अबाउट क्लोज टू 5 फीट यहाँ पर यूज़ हो गया। अब जैसे आप बाहर जाते हैं तो ये भी एक यूटिलिटी बालकनी थी, तो इसके अंदर हमने यहाँ पर एक सिंक लगा दिया प्लस एक डिशवॉशर लगा दिया इसके साथ ही। तो ये सब गंदा जो कचरा का काम है, जो मिट्टी का काम है, जो पानी का काम है, वो सब बाहर हो गया और अंदर की किचन बिल्कुल ड्राई किचन रही और बाहर की किचन थोड़ी वेट किचन की तरह यूज़ होने लगी। यहाँ पर हमने ये एडिशनल गेट लगा दिया, इस गेट को एक्सेस करने के लिए ये बालकनी थी यहाँ पर, जो कि आपको याद होगा पेरेंट बेडरूम के पीछे बालकनी थी वो यहाँ पर यूज़ हो सकती है। और ये पूरी स्पेस, पार्ट ऑफ द इंटायर स्पेस बिकम्स द किचन स्पेस, तो ये पूरा ही किचन का एक बड़ा एलिमेंट बन गया। अब मैं इसकी थोड़ी और डिटेलिंग करता हूँ कि क्या क्या एलिवेशन हैं किचन के और हमने किस एलिवेशन पर क्या क्या काम किया। यहाँ से लेके यहाँ तक का है, तो उस एलिवेशन में क्या हुआ, एलिवेशन का मतलब होता है वॉल, मतलब हम अपनी टेक्निकल ड्राइंग्स की बात करें तो इसका मतलब ये है कि इस वॉल पे क्या होने वाला है, इस एंड से इस एंड से किचन के सामने वाली एंट्री की हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर ये एक हमने डिज़ाइन किया। ये एल काउंटर स्पेस है जो मैंने अभी मार्क करा है यहाँ पर, तो इस स्पेस के अंदर आपको मेन एलिमेंट्स रखने थे। तो यहाँ पर ये आपका हॉब है, इसके नीचे इसके हमने नीचे 3 इनोटेक ड्रॉर्स रखी हैं विच इज़ गुड इन साइज़, अबाउट 2.5 फीट के करीब का ये साइज़ है जो हमने रखा है विच इज़ 30 इंचेस। यहाँ पर BPO रखा एक बॉटल पुल आउट के लिए, यहाँ पर अगेन इनोटेक्स रखी, यहाँ पर भी इनोटेक्स रखी और यहाँ पर ये एल कॉर्नर शटर्स रख दिए। तो ये शटर्स को आप नीचे यूज़ कर सकते हैं। ऊपर इसके चिमनी आ गई सेम साइज़ की, जो साइज़ का हॉब था उसी साइज़ की चिमनी आ गई। साइड में 2 यहाँ पर हाइड्रोलिक लिफ्टअप्स आ गए चिमनी के बाजू में, तो आप ये देखेंगे ये जो स्पेस है मैं मार्क कर रहा हूँ इसके अंदर, तो ये हाइड्रोलिक लिफ्टअप आ गए चिमनी के बाजू से।
और अगेन ये वाला जो कॉर्नर है, ये कॉर्नर शटर की तरह जैसे नीचे हमने बनाया था वैसे हमने ऊपर भी यूज़ कर लिया, तो ये भी कॉर्नर शटर की तरह एल कॉर्नर में यूज़ हो गया। ये मेन शटर्स बने, ओवरहेड शटर्स बने, इन ओवरहेड शटर्स के अंदर आप काफ़ी सारा एक्स्ट्रा सामान रख सकते हो। तो ये सामने वाली इसकी तरफ का एंट्री करते ही एलिवेशन है इस किचन का। अब यहाँ मैंने आपको बताया था कि नीचे विकर बास्केट्स हैं, ऊपर ओवन है और माइक्रोवेव है, यहाँ से कहीं से सर्वेंट डोर का रास्ता था जो कि बंद हो गया। तो ये पूरी टॉल यूनिट बन गई, ये एक पूरी पैंट्री की यूनिट बन गई। इसके अंदर ये दो शटर्स बने, ये जैसे आप शटर्स देख रहे हो, ऊपर दो शटर्स बने और अंदर इसके अंदर ड्रॉर्स बन गई। तो यहाँ पर हमने अंदर ड्रॉर्स बना दी उसको यूज़ करने के लिए, तो ये ड्रॉर्स की तरह अंदर अंदर यूज़ होने लगा। ये वो बाहर का एरिया है जहाँ पर हमने वो आपको मैंने बताया था एक यूटिलिटी सिंक बनाया, तो ये वो सिंक वाला एरिया है और ये उसके साथ उसका डिशवॉशर का एरिया है। तो यहाँ पर डिशवॉशर रखा और यहाँ पर सिंक रखा, विच इज़ एक्स्ट्रा यूटिलिटी सिंक जिसमें सारा गंदे बर्तन रहेंगे। इसके ऊपर ये विंडो है और इसके साइड में भी यहाँ पर एक विंडो है, तो ये दोनों विंडोज़ खुल सकती हैं, बंद हो सकती हैं, UPVC की विंडोज़ हैं। तो किचन को जब बंद करना है, जब इसमें डर्टी नहीं दिखाना है, तो ये अंदर आ जाता है। जो इसका टॉप है किचन का, ये सारा कॉर्ड्स है, ये जो मैंने रेड कलर का भी मार्क करा है, हमने इसको क्वार्ट्ज लुक लाइक मार्बल है, ये एक्चुअल इटालियन नहीं है पर एक क्वार्ट्ज मार्बल है जो कि किचन में यूज़ किया जाता है, वो हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पर हमने हॉट एंड कोल्ड के लिए पॉइंट्स बनाए कि गर्म पानी के लिए और ठंडे पानी के लिए बर्तन धोने के लिए ज़रूरत पड़ती है, तो यहीं पर वो पॉइंट्स बने विच इज़ हॉट एंड कोल्ड। तो इस तरीके से ये किचन का एलिवेशन है फ्रंट, जिसको कितना डेप्थ रखना है, कितना प्लस रखना है, कितना माइनस रखना है, वो हमने डिसाइड किया। यहाँ पर नीचे के जितने शटर्स होते हैं, नीचे एलिमेंट्स होते हैं, ये सब 24 इंचेस होते हैं और जो ऊपर के शटर्स होते हैं ये सब के डेप्थ जनरली 12 टू 14 इंचेस होती है, डिपेंडिंग अपॉन क्लाइंट की हाइट कितनी है और वो कैसे इसको यूज़ करना चाहता है। पैंट्री को हमने सबको बड़ा बड़ा रखा, 24 इंचेस का साइज़ रखा, डीप इसको उतना ही बड़ा रखा क्योंकि यहाँ पर जगह थी। और जो माइक्रोवेव ओवन है ये बिल्टअप्स हैं, तो इसके लिए पहले हमने बिल्टअप के साइज़ ले लिए, उनके अंदर जो जो साइज़ अप्लाइंसेज में आते हैं उन्हीं को हमने यहाँ पर यूज़ करके इसकी डिज़ाइनिंग करी। अब मैं इसका आपको दूसरा एलिवेशन दिखा रहा हूँ, ये एलिवेशन साइड का है, जो कि आप अगर याद करें किचन का, मैं अगर आपको लेआउट दिखाऊं तो किचन के हम लेआउट में अभी हमने पहले फेस की बात कर ली है, अभी हमने ये फेस की पूरी बात कर ली है। अब मैं आपको इस फेस के बारे में बताने वाला हूं कि इस फेस में क्या होगा। ये एंट्री करते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे है, तो ये इसकी वॉल है आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये रेफ्रिजरेटर के लिए मैंने आपको बताया 3 फीट का साइज हमने रखा, उसके साथ एक यहाँ पर वेजी सिंक डाला, तो ये वेजी सिंक है। उसके नीचे यहाँ पर 2 शटर्स हैं सामान वगैरह रखने के लिए, एक्स्ट्रा कुछ छोटा छोटा चीज़ें होती हैं जो किचन में हमें रखनी होती हैं, तो वो रखने के लिए यहाँ पर हमने नीचे 2 शटर्स बना लिए सिंक के नीचे। ये सब किचन का एंट्री पार्ट है, मतलब यहाँ पर ही एंट्री में ही सारी किचन हैं और इसी के अंदर ही सारी यूटिलिटी पूरी हो जाती है। तो इसके जो स्विच सॉकेट्स लगने हैं, इसके जो पॉइंट्स बनने हैं, हम इतनी डिटेलिंग करते हैं कि एवरीथिंग इज़ वेरी वेरी क्लियर, कि कल को हमारा इलेक्ट्रीशियन को, हमारे प्लम्बर को किसी भी चीज़ को बनाने में प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो यहीं पर हम पूरी डिटेल ड्राइंग में मार्क करते हैं कौन सी लैमिनेट लगेगी, क्या प्रोफाइल का कलर आएगा, कौन से कलर का वॉट्स है, सो एंड सो फोर्थ। अब मैं आपको किचन के तीसरा एलिवेशन दिखाने वाला हूँ कि जो कि हमने एंट्री किया था, तो जो ये वाला एलिवेशन है, हम अब इसकी बात करेंगे कि इस सेक्शन पे क्या हुआ, विच इज़ द राइट मोस्ट पार्ट ऑफ द किचन। अब आप देखिए इसके अंदर भी हमने यहाँ पर ऊपर क्वार्ट्ज का पत्थर लगाया जो मैंने यहाँ पे मार्क करा है, ये 1, 2, 3 इनोटेक की ड्रॉर्स लगाई, ये एक कॉर्नर शटर लगाया क्योंकि ये साइड वाले उससे एल से मिलता है तो यहाँ पर भी एक शटर आ जाता है। सिमिलरली ऊपर भी ये कॉर्नर शटर्स आ गए जो साइड वाले एल से मिलते हैं। ये पूरे ओवरहेड शटर्स हैं जो कि अच्छा खासा स्पेस को फिल करने में मदद करते हैं। ये एक ओपन बॉक्स है, इसको हमने थोड़ा कलरफुल बॉक्स बनाया है, जो हमारे किचन का कलर है फ्रंट का वही इस बॉक्स के अंदर कलर आएगा। तो कुछ लोगों को ओपन बॉक्सेस पसंद होते हैं, कुछ लोगों को नहीं पसंद होते, ये पर्सनल चॉइस है, आप अपने हिसाब से इसको चूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले बताया था, तो इस कोने में हमने रोलिंग शटर रखा, तो ये पूरा जो कोना था, जो लेफ्ट वाला एलिमेंट था, इसके अंदर पूरा का पूरा एक रोलिंग शटर आ गया। रोलिंग शटर के पास जो हमें जगह बची उसके अंदर हमें पूरा पूरा काउंटर का स्पेस मिल गया, ये पूरा काउंटर का यहाँ पर स्पेस मिल गया नीचे। तो ऊपर भी शटर्स आ गए,
पूरा पूरा एलिमेंट को हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया। तो इस तरीके से ये पूरी किचन की डिटेलिंग करी गई। मैंने बहुत मेहनत करी आपकी इस किचन को डिज़ाइन करने में और आपको प्लानिंग समझाने के लिए। होपफुली आपको ये समझ में आया हो कि पुरानी छोटी किचन को हमने बड़ा कैसे किया, उसके अंदर प्लानिंग में हमने क्या क्या एफर्ट डाला, तो जाके वो किचन की प्लानिंग वो दिख पाई जो मैंने आपको वीडियो में दिखाई। अगर आपको वो सब अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।